तो आगे फाइनल हो गया, हम क्या करने वाले हैं? कर्टन बैंक्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कर्टन बैंक्स। कर्टन बैंक्स। नाउ आगे भी अगर आप देखोगे तो हमने डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लिया है। कैसा सेक्शन है? डायगोनल फॉरवर्ड। पीछे तो पता चल गया कि ऐसा है तो फॉरवर्ड और ऐसा है तो बैकवर्ड। आगे कैसे पता चलेगा? आपकी आगे की तरफ झुक रही हो, जैसे अभी आप आगे झुक रही है ना लाइन, अभी आप देखोगे लाइन आगे की तरफ झुक रही है तो इसे फॉरवर्ड कहा जाता है। अगर मान लो सेक्शन ऐसा है, लाइन पीछे की तरफ झुक रही है तो उसे डायगोनल बैक कहा जाता है। ओके, अब हम थोड़ा सा अपने हेयर कट का गति परिवर्तन करेंगे, थोड़ा सा और स्पीड अप करेंगे। जैसा आपके साथ होता है वैसा मेरे साथ भी होता है और दुनिया में मौजूद ना
बना रहा हो हमेशा उससे पहले शुरुआत करो, क्योंकि वीक को स्ट्रांग कर सकते हो, स्ट्रांग को वीक नहीं कर सकते। अब जब हम यहाँ पे कट कर रहे हैं अगेन कोम, उसके बाद सपोर्ट के लिए भी कोम रखूंगा, या तो अगर आपको कोम नहीं रखना है तो आप ऐसे करके अपने फिंगर को भी यहाँ पे रख सकते हैं, पर वो टाइम पे हेयर गीले होने चाहिए ताकि हेयर आपके बॉडी के साथ चिपक जाए, तभी जाके आपको वो फिनिशिंग मिलेगा। कभी कभी हम लोग वाटर स्प्रे करते हैं फिर भी खड़े हो जाते हैं, तो समटाइम्स मैं थोड़ा सा जेल यूज़ करता हूँ, जब लास्ट में फिनिशिंग करना हो तो हल्का सा थोड़ा सा जेल लेके यहाँ यहाँ एप्लीकेशन और फिर काटा तो वो और चिपक के रहे। क्लियर है? यस। तो अब जैसे हमारी बात हुई थी हम आगे क्या करने वाले हैं? फ्रिंजेस, कर्टन बैंक्स। क्या करने वाले हैं? कर्टन बैंक्स। कर्टन बैंक्स बहुत सारे लोगों को फ्रिंज सेक्शन का जो ट्रायंगल है वो कितना छोटा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। यस और नो? यस सर। आया ना? यस। सो मैं आपको यहाँ पे उसका जो टिप है वो देना चाहता हूं। अगर किसी का फेस छोटा है, कैसा है, स्मॉल, तो आपका ट्राइंगल बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बड़ा। बड़ा। अब आप सोचेंगे सर ये तो आपने कुछ गड़बड़, अब तक तो हम कुछ अलग सोच रहे थे, बट इमेजिन करो कि अगर फेस छोटा होगा तो आपको उस फेस को बड़ा दिखाना होगा या उसको और छोटा करना होगा? बड़ा दिखाना होगा। अब वो बड़ा कैसे दिखेगा? जब उसके ऊपर साइड से हेयर कम जाएंगे। वो हेयर कम कब जाएंगे? जब आपका ट्राइंगल बड़ा होगा तो साइड में बाल ही नहीं बचेंगे जो उस हेयर को क्या करे, कवर करे। सो छोटा फेस तो बड़ा ट्राइंगल, और बड़ा फेस तो छोटा ट्राइंगल। अब आप सोचेंगे सर फेस बड़ा और ट्राइंगल छोटा कैसे काम चलेगा, है ना? अब आप ये सोचो जो फेस बड़ा होगा उसको आपको और बड़ा करना होगा या छोटा करना होगा? छोटा। छोटा करना होगा। अब वो छोटा कब होगा? जब उसके साइड में थोड़े हेयर रहेंगे जो उसके फेस को कवर करे। तो वो कब होगा? जब आपका ट्राइंगल छोटा होगा और साइड के ज्यादा बाल उसको क्या करे, कवर करे। एग्री? यस और नो? यस सर। यस, थैंक यू। सो यहाँ पे मैं ट्राइंगल का थोड़ा सा जो साइज है वो बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि लकीली हमारे मॉडल का फेस बहुत खूबसूरत है। क्योंकि एक बार मॉडल के लिए बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि इजी नहीं है इतने टाइम तक मूर्ति की तरह बैठना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड सच में यू गाइज आर अमेजिंग ऑडियंस, थैंक यू सो मच। सो अभी हम थोड़ा सा क्विक करते हैं। यहाँ पे हमने ट्राइंगल के, हमने कर्टन बैंक के लिए ट्राइंगल ले लिया, ओके? अब जैसे हेयर कट में हमने गाइड बनाया वैसे कर्टन बैंक में भी गाइड बनाना है, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एकदम, अब ये बहुत काम में आएगा, जरूरी नहीं कि ये बैंक आप, ये कर्टन बैंक आप सिर्फ छोटे बाल करोगे तभी कर सकते, आप मीडियम लेंथ में भी कर सकते हो, आप लॉन्ग हेयर में भी कर सकते हो, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटा सा वर्टिकल सेक्शन निकालेंगे, और ये जो वर्टिकल सेक्शन है ये वो हेयर है जो आप अपना सबसे छोटा पॉइंट रखना चाहते हो। हो सकता है आप अपना बैंक यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, या मे बी यहाँ से, या मे बी यहाँ से, जो भी आप अपने कंसल्टेशन, आपके क्लाइंट की नीड और आपके विजन के हिसाब से आप चूज कर सकते हो, है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मेरा ये विजन है कि उनको
करके उनका जो नोज है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, मैं उसको और इन्हेंस करना चाहता हूँ, तो मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट नोज के जस्ट ऊपर रखूँगा ताकि जो फ्रिंज है वो वहाँ से शुरू हो। ओके, क्लियर है? सो हम इस वर्टिकल सेक्शन को ले रहे हैं, कॉम करेंगे, यहाँ पे आएंगे और स्ट्रेट कट नहीं करेंगे, राइट? हमें यहाँ पे करना है, नाउ गौर से देखिए, हमें यहाँ से करना है ट्रायंगल। क्या करना है? इससे क्या होगा कौन बताएगा? उससे बीच के हेयर शॉर्ट रहेंगे और साइड के हेयर लॉन्ग रहेंगे, क्योंकि आपको वो शॉर्ट टू लॉन्ग होना चाहिए। तो आप काटेंगे भी कैसे? शॉर्ट टू लॉन्ग में, लॉन्ग ट्रायंगल में कट करेंगे। ओके, अब ये क्या बनाया हमने? गाइडलाइन, हमने गाइड बनाया। अब इस गाइड को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। दोनों सेक्शन के पास अपना अपना गाइड पहुंच चुका है। यस, अब क्या करना है? अब राइट वाला सेक्शन लेफ्ट में कट करना है और लेफ्ट वाला सेक्शन राइट में। देखते हैं ये कैसे पॉसिबल होगा। ये पूरा सेक्शन हमें लिया, ये पूरा सेक्शन हमें कोम करना है और कोम करके जैसे ही हमें हमारा गाइड मिला, नीचे देख लेता हूँ, हाँ हमारा गाइड रेडी है। अब मैं इसे इस तरीके से कट करता हूँ। अब इससे होगा क्या कि जब ये हमारे क्लाइंट अपना फ्रेंच कुछ इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ पे हमें वो शॉर्ट टू लॉन्ग इफेक्ट मिलेगा। तो जब कभी हम इसको स्टाइल करेंगे तो स्टाइल करने के टाइम पे सिंपल, yes. ये मैं क्यों सिंपल बता रहा हूँ? बिकॉज हम कभी कभी है ना हेयर ड्रेसिंग को बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इसको लॉजिक से समझेंगे तो। अगर आप इसको सही माइंडसेट और सही लॉजिक लगाएंगे, ये प्योर मैथ्स है ना? अब ये वाला सेक्शन हमने कट कर दिया है, अब ये वाला सेक्शन हम इस तरफ लेकर आएंगे। इसे बोला जाता है ओवर डायरेक्ट करना। क्या करना? ओवर डायरेक्ट करना। थैंक यू सो मच। तो ये पूरा सेक्शन हम लेंगे, ये पूरा सेक्शन अब यहां पर लेके आएंगे और जैसे ही हमें गाइड दिखेगा हम इसे कट करेंगे। इससे क्या होगा? जब ये नेचुरल अपने पोजीशन में आएगा तो वो आपको एक शॉर्ट टू लॉन्ग इफेक्ट देगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा लगा आपको ये टेक्निक? यस सर। थैंक यू सो मच। नाउ हमने यहाँ पे सबसे पहले ग्रेजुएटेड बॉब किया और फिर हमने कर्टन बैंक किया। अब इसके बाद क्या स्टेप आता है? हेयर कट तो हो गया, टेक्सचर। अब स्टाइलिंग करना क्यों जरूरी है?